देखिए जनता का निर्णय है, सातवीं बार किसी जनसेवक को आशीर्वाद देना ये बहुत बड़ा चुनौती वाला विषय रहता है, परंतु हमारे कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता का आशीर्वाद, ये मंडला संसदीय क्षेत्र की जनता है, गरीब लोग हैं, परंतु मेरे साथ में जितने समय से जुड़े हैं मैं अनुभव किया कि जनता का लगातार इस प्रकार का आशीर्वाद मिलना ये अभूतपूर्व सफलता का एक हिस्से, लोग जैसे कहते थे क्या परिस्थिति बनेगी, क्या होगा, कैसे होगा, परंतु मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ जनता का कि विचलित नहीं हुआ जनता ने, हमारी बातों पर विश्वास किया पार्टी पर, और इसका ये परिणाम है कि ये परिणाम आज पिछले जो परिणाम आए थे उनसे आगे निकल करके आया। देखिए पार्टी ने जब किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो पार्टी एक तय करती है कि हमको इस मुकाम तक पहुंचना है, तब सफलता मिलती है, और इसलिए ये सफलता की कुंजी है। आज एनडीए को जो बहुमत मिला है, अभी परिणाम घोषित होना कुछ बाकी है, तो निश्चित तौर से सफलता हमारे लिए तीसरी बार सरकार बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए और हम सबके लिए। देखिए जनता की जो भावना है, मैंने इस क्षेत्र के एक एक विषय को समझने का प्रयास किया, मेरे संज्ञान में है सारे विषय, और निश्चित तौर से जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक एक विषय पर ध्यान रख कर के इस निर्वाचन क्षेत्र के सभी हमारे चार जिलों के जो मतदाता है, कार्यकर्ता है, उन सबके समन्वय के साथ में हम काम करेंगे, तो निश्चित तौर से जो कमियां रह गई हैं या हम कुछ मामलों में पीछे हैं हम उसको पूरा करेंगे। मंडला में सबसे ज्यादा रोजगार और पलायन की स्थिति है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लोगों को रोजगार मिले, हम उसके बारे में संभावना तलाशेंगे, यहाँ जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार हम दे सकते हैं कोशिश करेंगे, सरकार की योजनाओं के माध्यम से ज्यादा लोग सामने आए, ये हमारा प्रयास होगा।